ना कोई ज्यादा नाप तोल, ना मावा, ना चाशनी, और तो और बुरा नहीं है तो भी चलेगा। गणेश चतुर्थी के लिए एक बहुत आसान सी रेसिपी, हर कोई अपने घर में इसे ट्राई कर सकते हैं। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू अ वंडरफुल कुकिंग चैनल, डिलीशियस खाना झटपट बनाना। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए नॉर्मली मोटा बेसन चाहिए होता है, लेकिन आपके पास जो भी बेसन हो, पतला बेसन हो, मोटा बेसन हो, आप वही लीजिए। मैं आपको आगे बताऊंगी कि बेसन को हमें कैसे ट्रीट करना है ताकि ये बिल्कुल मोटे बेसन जैसा लगे। हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए 2 कटोरी बेसन लिया है, तो घी हम करीब करीब 1 कटोरी लेंगे पिघला हुआ, लेकिन पूरा घी हम एक साथ नहीं डालेंगे। हम 3/4 कटोरी से थोड़ा कम घी इसमें डालेंगे और बाकी घी को हम बचा कर रखेंगे, जैसे ज़रूरत होगी उस तरीके से डालेंगे। घी जब गर्म हो जाए तब इसमें हम बेसन को डालेंगे और बिल्कुल धीमी आंच पे बेसन को हम धीरे धीरे भूनेंगे। शुरू में आपको लगेगा कि ये बहुत ड्राई सा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। बाद में इस पे काफ़ी घी तैर कर ऊपर आ जाता है, इसलिए शुरू में ज़्यादा घी डालने की बिल्कुल भी हड़बड़ी मत कीजिएगा। 5 मिनट लो फ्लेम पर भूनने के बाद देखिए ये बेसन इस तरीके से दानेदार हो चुका है। अभी भी इसे हम कंटिन्यूस भूनते रहेंगे और मैं हर 5 मिनट में आपको दिखाऊंगी कि बेसन का टेक्सचर कैसे चेंज हो रहा है। अब करीब 10 मिनट हो चुके हैं, लेकिन बेसन अभी भी वैसे ही दानेदार ही बना हुआ है। लेकिन इसे ऐसे ही लो फ्लेम पे हम अभी कंटिन्यूस और भूनते रहेंगे, और इसे कंटिन्यूस चलाना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने नॉनस्टिक पैन लिया है, आप चाहें तो दूसरा पैन भी ले सकते हैं, ये चिपकते नहीं हैं। और देखिए और 5 मिनट हो गया है, बेसन की हल्की हल्की भूनने की खुशबू आ रही है, लेकिन बेसन के ऊपर अभी घी नहीं दिख रहा है, बेसन थोड़ा सूखा सा ही लग रहा है। तो घी तो हमने पहले ही थोड़ा बचा के रखा था, तो 1 टेबलस्पून घी हम यहाँ पर और डाल देते हैं। और 1 टेबलस्पून घी डालने के बाद जैसे ही इसे हम और थोड़ा सेक रहे हैं, अब काफ़ी घी इसके ऊपर दिखने लग गया है। तो इससे ज़्यादा हमें घी नहीं डालना है, इससे ज़्यादा घी डालेंगे तो लड्डू बांधने में दिक्कत आएगी। तो टोटल 2 कटोरी बेसन में मुझे करीब करीब 3/4 कटोरी घी लगा। इसे हम कंटिन्यूस अभी और थोड़ा सा स्टर करेंगे और धीमी आंच पे सेकते रहेंगे। बेसन की बहुत ही अच्छी सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लग गई है। तो धीमी आंच पे करीब करीब मुझे 25 मिनट का समय लगा। बेसन अच्छे से भुन चुके हैं, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और ये बीच में इकट्ठा सा होने लगा है। मैंने आपको पहले बताया था ना कि हम एक ट्रिक लगाएंगे ताकि कोई भी बेसन हो उसको हम मोटे बेसन जैसा बना लेंगे, तब वही ट्रिक लगाते हैं। हम यहाँ पे डाल रहे हैं 1 चम्मच दूध, और जैसे ही हम दूध डालेंगे तो जहाँ जहाँ बेसन पे दूध पड़ेगा वो बेसन हल्का हल्का फूल जाएगा, तो उसे हमें तुरंत चलाते रहना है। फ्लेम हम एकदम लो ही रखेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब 1 चम्मच दूध हम और डाल रहे हैं, तो टोटल मैंने 2 चम्मच दूध डाला है। तो हमने नॉर्मल बेसन लिया था, इस तरीके से हमने उसको मोटे बेसन वाला टेक्सचर दे दिया। तो अब हमारा बेसन पूरी तरह से हो गया है रेडी। थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल देते हैं और इसे भी मिला लेते हैं। इसे उतार कर हम रख देते हैं, ये थोड़ा ठंडा होगा तभी हम इसके आगे की प्रोसेस करेंगे। और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक 1 टेबलस्पून मगज बीज को हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। इस रेसिपी में मिठास लाने के लिए शक्कर का बूरा ऐड किया जाता है, लेकिन शक्कर का बूरा हो सकता है आपके पास ना हो, तो उस केस में आप इलायची दाना या राम दाना जिसे कहा जाता है, इसे पीसकर ऐड कर सकते हैं। इलायची दाना को पीसकर एक बार छान लीजिए ताकि उसमें अगर कुछ दाने हो तो वो निकल जाए, और उस रेसिड्यू को दोबारा पीसकर फिर से छान लीजिए। इस तरीके से हमारा तैयार हो गया इलायची दाने का पाउडर, इसे हम रेसिपी में मिलाएंगे। अगर आपके पास बूरा हो तो आप बूरा भी डाल सकते हैं, पर शक्कर पीस के मत डालिएगा, शक्कर पीस के डालने से वो मज़ा नहीं आता। भुने हुए बेसन जब थोड़े ठंडे हो जाए, मतलब आप हाथ से इसे हैंडल कर पाए लेकिन तब भी गुनगुना सा रहे, उस समय आपको ऐड करना है सिके हुए मगज के बीज और पिसा हुआ इलायची दाना या शक्कर का बूरा, और इसे हाथों से ही अच्छे से मिला लीजिए और लड्डू बना लीजिए। तो तैयार हो गई बहुत ही बढ़िया गणेश चतुर्थी के लिए गणेश महाराज का भोग।